मैं उनका जिक्र कर सकूं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और ये फासला मेरे लिए तय करना वहाँ से यहाँ तक का बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज उनका हाथ मेरी उंगली नहीं थाम सकता। आप सब लोगों का साथ, आप सब लोगों की दुआएं, आप सब लोगों की अच्छी विशेज आज यहाँ तक मुझे ला सकें कि मुझे अल्फाज शायद ना मिल सकें कि मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ बोल सकूं, क्योंकि वो सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं, मेरे उस्ताद भी थे और एक बहुत शफीक दोस्त भी थे। कल रेडियो पाकिस्तान पर मैं सुबह डैडी के लिए एक लाइव शो रखा गया था, तो स्टेशन डायरेक्टर साहब भी थे और कंट्रोलर साहिबा भी थीं, तो चाहे वो एमए जिना रोड का रेडियो पाकिस्तान हो या पीटीवी की दीवारें या अब सिविक सेंटर के पास रेडियो की बिल्डिंग, वहाँ की खुशबू मेरे अंदर बसी हुई है। वहाँ की एक एक दीवार में मुझे मेरे वालिद सुनाई देते हैं और उनकी खुशबू आती है, और ये उन्हीं की वजह से था कि मेरे अंदर ये खुशबुएं बस सकें। बचपन से रेडियो पाकिस्तान लेके जाते थे, एक एक स्टूडियो में लेके जाते थे, कैंटीन रेडियो पाकिस्तान की वहाँ पर लेके जाते थे। एक एक चीज़, एक एक वक्त याद है। वो क्योंकि मेरे दोस्त भी थे, तो रियाज़ के साथ साथ रियाज़ के वक्त और रियाज़ से पहले रियाज़ के बाद कहीं ना कहीं जिक्र छिड़ता रहता था कि अगर कहीं मुझसे कहीं कम सुर लग गया या ज़्यादा सुर लग गया तो उससे उनका कोई ना कोई वाक़या रिलेटेड ज़रूर होता था, कोई ना कोई किस्सा ज़रूर रिलेटेड होता था। तो उनकी सारी मेमोरीज़ वो मुझ में इन्वेस्ट करते गए, जितनी मेमोरीज़ थी वो इन्वेस्ट करते गए। तो अगर थोड़ा सा जिक्र मैं कर सकूं कि जहां पर उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि 1950 में रेडियो पाकिस्तान क्विंस रोड पे हुआ करता था, जहां पर पीआईडीसी के आगे एक बिल्डिंग थी और वहां पे सिर्फ दो कमरे हुआ करते थे, एक में खबरें पढ़ी जाती थीं गालबन और एक में ड्रामा और मौसीकी एक ही कमरे में हुआ करते थे। ज़ाहिर बात है मेरा तो वहाँ जाना नहीं हुआ, लेकिन जो जो बातें, जो जो वाक़यात उन्होंने बताए वो मेरे लिए एक म्यूज़ियम का दर्जा रखते हैं आज। एक आर्काइव मेरे अंदर बसी हुई है कि कहाँ से, कैसे, कब, क्यों। वो बताया करते थे कि जब रेडियो पे उनको गाने का शौक़ हुआ तो 6 दफ़ा उनको रिजेक्ट किया गया, 6 दफ़ा रिजेक्ट किया गया, और हमेशा कहते थे कि आप तो रियाज़ में इतनी मेहनत नहीं करते, जो कि सच बात थी। कहते हमें तो जब मौका मिलता था, चाहे कमरे में पंखा हो ना हो, गर्म कमरा हो, यहाँ 2 मिनट सो गए फिर उठ के हारमोनियम पकड़ लिया, कि अगली दफ़ा भी सुर पूरा लगना चाहिए जब ऑडिशन के लिए जाऊँ। तो वो सारी बातें मेरे लिए इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, इतनी उनकी उनमें ताकत इतनी है कि जिस तरीके, जिस पैशन से वो बताते थे वो मैं बयान भी नहीं कर सकता। जो और उनके एक होता था कि कहते थे जब मैं रेडियो जाता था तो उनकी नज़र में होता था कि गवैये जो होते हैं उन्होंने बोस्की का शलवार कुर्ता पहना होता है। उनकी एक इमेज था, उनके बचपन में उनके एक इमेज था कि गवैया कैसा दिखता होगा, एक सिंगर, रेडियो सिंगर, फिल्म सिंगर कैसा दिखता होगा। तो वो कहते जब मैं छोटा था मैं रेडियो के बाहर जाके खड़ा रहता था कि, और ये बात है शायद बॉम्बे की, जब वो बॉम्बे अपने उस्ताद के साथ गए तो पंडित रामचंद्र त्रिवेदी, तो कराची में शागिर्दी डैडी ने ले ली थी उनकी, लेकिन फिर पार्टीशन के बाद दादा के सामने ज़िद उन्होंने की कि जी मैंने जाना है गुरुजी के पास। तो डैडी के गुरु भाई थे जो कि कराची से जा रहे थे, जब कराची से जा रहे थे तो दादा को उन्होंने बोला कि मैं इनको साथ ले जाऊंगा। फिर वहां गए डैडी जामनगर, फिर जामनगर में सालों उन्होंने गुजारे जहां पर अपने उस्ताद के पास सीखते थे वो। वहाँ वो बताते हैं कि जब मैं रेडियो गया, ऑल इंडिया रेडियो बॉम्बे, तो वहाँ पर बाहर खड़े हुए उनको यही था कि अब कोई सिंगर निकलेगा और उसने सफ़ेद बोस्की का कुर्ता पहना होगा, लंबे लंबे बाल होंगे। और ख़ूबसूरत चीज़ उनकी ज़िंदगी में हुई कि खुदा ने उनको जो दर्जा दिया, जो मकाम दिया, जो नाम उनको मिला,
जिन लोगों के वो फैन थे, जिनको अपना उस्ताद समझते थे, एक वक्त ये आया कि वो उनके दोस्त बन गए। तलत महमूद साहब, जिनके वो मद्दाहों में से थे और कहते थे मैं तलत साहब को फॉलो करता हूँ, क्योंकि तलत साहब की आवाज़ में सॉफ्टनेस बहुत थी, बहुत सॉफ्ट आवाज़ थी, तो उनका ये होता था कि तलत महमूद साहब को बहुत फॉलो किया। और फिर एक वक्त ये आया कि मैं कल परसों ही किसी को तस्वीर दिखा रहा था, मेरे पास बहुत तस्वीरें पड़ी हुई उनकी, जो कि शायद बहुत से लोगों के पास ना हो। एक तस्वीर है मेरे घर की, जहाँ पर खान साहब मेहदी हसन, डैडी और तलत साहब मेरे घर पर बैठे हुए थे। बचपन की बात है मेरी, कि जब तलत साहब कराची आते थे तो क्योंकि कराची में उनके भाई थे कमाल साहब, तो तलत साहब जब भी आते थे तो तलत साहब डैडी को फ़ोन करते थे कि मैं आ गया हूँ। फिर या तो वो हमारे घर आ जाया करते थे या तो डैडी चले जाया करते थे। तो बताने के लिए, और उनकी यादें इतनी हैं कि मैं, वक्त बहुत कम है मेरे पास, और शायद ज़िंदगी भर मैं उन यादों को याद करता रहूँ चलते फिरते हर जगह। लेकिन उनका सबक हमेशा यही था कि जो काम करो सच्चाई से करो। शायद मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकता, शायद मेरी अपनी कोताही की वजह से मैं ना पूरा कर सकूं, लेकिन उनका सबक कि अगर सुर भी लगाना है तो उनका एक होता था, नफीस भाई आपको बड़ा मज़ा आएगा ये सुन के, और तनवीर भाई और मेहमान भाई जितने भी हमारे मौसीकी से जिनका ताल्लुक़ है, वो कहते थे वाह वाला गाना बहुत आसान है, हाय वाला गाना गाओ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, सब उनको दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। जब अपनी इबादत करते हैं और पाक जनाजा की रस्मात में एक दुआ पढ़ते हैं, और उस दुआ का आगाज इस तरह से होता है, खुदा की गुज़श्ता बड़ी रहमतों को याद रखें। तो हालात वाकयात जिंदगी में कैसे भी हो, चाहे जिंदगी का इख्तिताम हो, लेकिन खुदा की गुज़श्ता बड़ी रहमतों को याद रखें। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक वक्त था वो हमारे साथ, और ऐसे नकूश वो छोड़ कर गए हैं कि बड़े बड़े लोग उन्हें याद कर रहे हैं, आने वाली नस्लें उन्हें याद कर रही हैं। देखिए, हम उनसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उन्हें याद करते हैं, लेकिन जब भी हम किसी ऐसी बड़ी शख्सियत को या अपने खानदान के किसी फर्द को अपने से जुदा होता हुआ देखते, तो एक खानदान की बात मुझे याद आती है। एक खानदान में उनका एक ही बेटा था, और जो साहिब खाना थे उन्हें किसी दूसरी जगह जाना पड़ा, तो अपनी वाइफ से उन्होंने कहा कि आप बेटे का ख्याल रखिएगा और अपना भी ख्याल रखिएगा। लेकिन किसी तौर पर उस बेटे की डेथ हो गई, इंतकाल हो गया। वो खातून के लिए माँ थी, बहुत ज्यादा बात थी कि जवान साल बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन साथ ही साथ वो परेशान थी कि मैं अपने शोहर को क्या बताऊं। जैसे ही वो वापस आए तो बेटे का भी पूछा, तो उस खातून ने कहा कि मैं आपको बताती हूं, लेकिन आप मेरा एक मसला अगर हल कर दें। तो उन्होंने कहा जी फरमाइए बताइए। उस खातून ने कहा कि आपके जाने के बाद एक डायमंड हीरा मुझे किसी ने अपने पास रखने के लिए दिया, वो मुझे इतना पसंद आ गया है, इतना खूबसूरत हीरा है कि मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसे वापस करूं। तो उस शख्स ने कहा कि वो हीरा आपको जितना भी पसंद आया, लेकिन जिसका है आपको उसे वापस करना। उस खातून की आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने कहा कि हमारे खानदान का हीरा जो हमारा था, हमारा दिल नहीं करता था कि वो हमसे जुदा हो, जिसका था, जिसने दिया था, उसने वापस ले लिया। आज जब हम एस पी जॉन साहब को याद करते हैं तो वो इस शहर, इस मुल्क, जॉन साहब के खानदान का हीरा है, लेकिन जिसने दिया था उसी ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। लेकिन साथ साथ मैं और आप ये बात जरूर याद रखें, मेरा एक जो खास ताल्लुक उनसे रहा एज प्रीस्ट, वो बड़े फनकार थे, बड़े इंसान थे, लेकिन वो एक मजहबी इंसान भी थे, लेकिन वो एक एक्सट्रीम किस्म के मजहबी नहीं, लेकिन क्योंकि हम आजकल फरिश्ते ढूंढते हैं इंसानों में, लेकिन इंसानों के मसाइल का हल इंसान बनने में, वो एक अच्छे इंसान थे।
मुझसे जब वो बात किया करते थे, क्योंकि जिस चर्च में वो थे वहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग, आलिम फाजिल लोग होते थे, तो कई दफ़ा आवाज़ करते हुए या खुतबा देते हुए वो नीचे बैठे होते थे, और वो जबान पर उनकी बड़ी दस्तरस थी, एक एक लफ्ज़ को नोट करते थे, तलफ़्ज़ को। तो जब कभी वापस आना तो उन्होंने फिर पकड़ लेना कि ये लफ्ज़ आपने इस तरह से अदा किया। तो कहने की बात यह है कि मैं इकरार करूंगा कि शायद कई दफ़ा उनको सिखाते सिखाते हमें सीखने का मौका मिल जाता, और जो एक अच्छी बात थी ये शायद हमें भी अपनी ज़िंदगी में लाना है। मज़हब में हम लफाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो मज़हब के इतलाकी पहलुओं पर मुझसे गुफ्तगू किया करते थे। What is the applied side of the religion? भाई ईमानदार हैं, मज़हबी हैं, तो आप फिर से करना क्या? भूखे के लिए दुआ करना है, लेकिन दुआ पर अमल तब होगा जब भूखे को आप खाना खिलाएंगे। तो बड़ा मुझे उनके करीब रहने का मौका मिला, उनसे अच्छी गुफ्तगू होती रही, हम सीखते रहे, लेकिन आखिरी बात कहकर ख़त्म कर लूँ। देखिए, सुकरात अगर जहर ना पीता तो मर जाता। मरता वो है जिसे भुला दिया जाए। और जॉन साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि उन्हें हम भुला नहीं सकते, और अगर हम भुला दें तो फिर एक अहद मर जाएगा, और अगर आप कहने की इजाजत दें तो हम मर जाएंगे। बड़ी कौमें, वो लोग जो दुनिया की रहनुमाई करते हैं, अभी बहुत सारी बातें की गई, मैं दोहराना नहीं चाहता, वो अपने फनकारों याद रखते हैं, और जॉन साहब वो बड़े इंसान, वो बड़े फनकार थे जिन्होंने एक निस सदी से ज्यादा लोगों को मुतासर किया। तो आइए उनके लिए दुआए मगफरत करें, अपने सर को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। खुदाए बुजुर्ग को बढ़कर तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं जॉन साहब की जिंदगी के लिए, और उनकी अच्छे सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए जो उन्होंने म्यूजिक में किया, कम्युनिटी में किया, और अपने खानदान की जिंदगी में किया। मुल्तजी हैं कि हमें भी तौफीक अता कर कि हम तेरे नाम को जलाल देने का बाइस हो, जहां जहां तो हमें जैसे इस्तेमाल करता। हम इस बात को याद रखें कि बिलाखिर हमें सबको मौत के दरवाजा से दाखिल होकर तेरे पास तेरे आराम में आना, तो इस तरह की जिंदगियां गुजारें कि जिससे तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। जॉन साहब के खानदान के लिए दुआ गो हैं, तो सबका हामी नासिर मुहाफिज हो। आर्ट काउंसिल के लिए, इसके मुंतजमीन के लिए, और जितने शुरका आज मौजूद हैं, इन सब के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और दुआ गो हूँ कि ये शहर कराची और फिर आर्ट के लिए जितना काम करते हैं उसमें हमारे मुल्क के नाम को रोशन करते हैं। दुआ गो हैं, जिस तरह हम सब खैरियत से आए इसी तरह खैरियत से जाए। खुदावंदा जलील मौतबर दाना उबीना मुनसिफ अकबर, तो ये खुद मुमकिन करना कि हम जॉन साहब जैसी अच्छी जिंदगी गुजारते हुए तेरे नाम को जलाल देने का बाइस। ये दुआ मांगते हैं खुदाए वाहिद के नाम में, आमीन।